यूएनएससी के रास्ते तालिबान पर मोदी का हंटर, अब चाह कर भी तालिबान की मदद नहीं कर पाएगा चीन। भारत ने अफगान युद्ध की बदल कर रख दी तस्वीर। दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने सुना ही था कि भारत के प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र करते हुए तालिबान सरकार पर कहा था कि आतंक की सत्ता स्थायी नहीं है, वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। तब सब लोग सोच रहे थे कि भाई वो तो सत्ता पर काबिज भी हो चुके हैं, हाथ में बंदूक है, हथियारों का जखीरा है, लंबी चौड़ी फौज और एक पूरा का पूरा मुल्क उनके पास आ चुका है, तो फिर उनको कौन रोकने वाला है। लेकिन दोस्तों, जिनकी सोच थोड़ी छोटी है वो शायद भारत की उस प्लानिंग को नहीं जान रहे थे जिसने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। एक तो तालिबानी खुद ही बंदरबाट में जुटे हैं और आपस में लड़कर मर रहे हैं। टॉप लीडर मुल्ला बिरादर और अंखूद ज्यादा रहस्यमयी तरीके से गायब हैं। तो दोस्तों, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे तालिबान की तबाही के लिए मोदी की टीम वो प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रही है, जिसको देख अमेरिका से लेकर रूस और ब्रिटेन भी हैरान है, क्योंकि इसमें भारत को जोरदार कामयाबी भी मिल रही है। सबसे पहली सफलता के रूप में भारत ने पंजशीर को हथियारों से लैस कर दिखाया है। पाकिस्तान की एक गलती से पंजशीर को मजबूत बनाने के लिए भारत को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब दुनिया के कई देश तालिबान के खिलाफ भारत का हाथ थाम चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस ने तो भारत से बात करने के बाद पंजशीर के योद्धाओं को नए टैंक, बख्तरबंद वाहन और हथियार भेज भी दिए हैं, जो तजाकिस्तान से होते हुए पंजशीर की सेना तक पहुंचने वाले हैं। वहीं भारत भी तजाकिस्तान में अपनी एयरबेस को तालिबान के खिलाफ हवाई हमले के लिए रेडी कर रहा है। साथ ही पंजशीर की मदद करने के लिए अब एक तरफ जहां फ्रांस ने हल्ला बोल दिया है, तालिबान के खिलाफ अपनी एयरफोर्स उतारने का ऐलान कर दिया है, वहीं अब दुनिया के कई मुस्लिम देश भी तालिबान से टक्कर लेने और पंजशीर का खुलेआम साथ देने के लिए आगे आए हैं। इन देशों में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। तो वहीं अब भारत ने तालिबान के खिलाफ जो रणनीति अपनाई है उसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत अपने कई दोस्त देशों के साथ तालिबान के ठीक सामने यानी अफगानिस्तान के बिल्कुल बगल में स्थित तजाकिस्तान में एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है, जिसमें पंजशीर को सैन्य मदद देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हम आपको इसको लेकर पूरी खबर बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत को तालिबान के खिलाफ कौन सी नई जीत हासिल हुई है और क्या चीन और रूस जैसे महाशक्ति देश नहीं कर पाएंगे चीन की मदद, और कैसे भारत ने रणनीति से चीन के पर कतर दिए हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए। भारत की प्लानिंग से बदली अफगान युद्ध की कहानी। भारत ने तालिबान के खिलाफ अब तक पर्याप्त समर्थन जुटा लिया है। तजाकिस्तान, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश तो भारत के साथ खुलकर आ ही गए थे। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश भी अब भारत के साथ तालिबान के खिलाफ सैन्य लड़ाई लड़ने में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसलिए भारत अब अफगानिस्तान के पास स्थित तजाकिस्तान में अपनी एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को रेडी कर रहा है। वहीं मोदी सरकार तालिबान के खिलाफ हमले और उससे संबंधित योजना बनाने के लिए सऊदी और ईरान के साथ एक बेहद सीक्रेट और इमरजेंसी मीटिंग रखने वाला है, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान के शासन और पाकिस्तान की भूमिका को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। आपको यहाँ ये बता दें कि पंजशीर का साथ देने के लिए ईरान बहुत उत्साहित है। ईरान ने पंजशीर में तालिबान के हमले को लेकर कड़ी चेतावनी भी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तालिबान लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करे। इतना ही नहीं, ईरान ने ये भी बताया था कि वो पंजशीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की जांच कर रहा है। साथ ही ईरान ने तालिबान की मदद करने पर पाकिस्तान को भी चेतावनी दी थी। यानी भारत को चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ एक मजबूत साथी भी मिल गया है। वहीं दोस्तों, भारत ने तालिबान की रीढ़ तोड़ने के लिए यूएनएससी में भी एक अहम काम कर दिखाया है, जिससे भारत को तालिबान पर एक अहम जीत मिल गई है। भारत ने यूएनएससी में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अब रूस और चीन चाह कर भी तालिबान की मदद नहीं कर पाएंगे। यूएनएससी में भारत ने काट दिए चीन और रूस के पर, अब चाह कर भी तालिबान की नहीं कर पाएंगे मदद। भारत को यूएनएससी जैसी ताकतवर संस्था में एक ही डर था कि रूस और चीन तालिबान की मदद करने के लिए
यूएन में कोई भी कदम उठा सकते हैं, जैसा कि वो यूएन के स्थायी सदस्य देश हैं और उनके पास वीटो पावर भी है। चीन किसी भी वक्त तालिबान की मदद करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर तालिबान के खिलाफ लिए गए किसी भी फैसले को रोक सकता था। इसलिए भारत ने पहले ये किया कि रूस और चीन के पर काट दिए। भारत ने यूएन में तालिबान के आतंकी संगठन होने के सबूत देकर दुनिया के बाकी देशों को भरोसे में लिया कि यूएनएससी में तालिबान के खिलाफ लाए गए किसी भी प्रस्ताव का विरोध करना या फिर वीटो लगाकर उन्हें रोकना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान होगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने तर्क दिया कि प्रस्ताव 2593 में यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में तालिबान से जुड़े 17 से ज्यादा आतंकी शामिल हैं और वीटो लगाकर इस प्रस्ताव को गिराना आतंकियों की मदद करना है। भारत के प्रयासों के कारण रूस और चीन ने अब यूएन में भारत के इस प्रस्ताव पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में अब भारत को पूरी आजादी मिल गई है। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत जल्द ही यूएनएससी का अध्यक्ष बनने वाला है और तब भारत तालिबान पर सैन्य एक्शन लेने के लिए तमाम सदस्य देशों को तैयार करेगा। भारत की इस कोशिश में चीन अड़ंगा लगा सकता था, लेकिन अब रूस और चीन इस मामले में वीटो नहीं लगाएंगे। भारत की रणनीति से तालिबान हुआ पाकिस्तान में घोर निराशा का आलम। यूएनएससी में भारत की इस कूटनीतिक जीत और रूस और चीन के अप्रत्याशित रुख को देखते हुए पाकिस्तान और तालिबान में जश्न फिलहाल थम गया है, क्योंकि चीन और तालिबान के बीच जो डील हुई थी, जिसमें चीन ने तालिबान को यह भरोसा दिया था कि वो यूएन में तालिबान के खिलाफ जाने वाले भारत की किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे वीटो ही क्यों ना लगाना पड़े। इसके बदले तालिबान ने चीन को भरोसा दिया था कि वो चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को अफगानिस्तान में वापस शुरू करवाएगा, साथ ही अफगानिस्तान में छुपी अकूत प्राकृतिक संपदा के खनन के लिए भी मदद करेगा। चीन को और क्या चाहिए था, उसने तालिबान की हर बात मानने का फैसला कर लिया। लेकिन भारत अब तालिबान और चीन की ऐसी किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। भारत ने चीन के वीटो पावर पर भी अब ब्रेक लगवा दिया है, ताकि पंजशीर का साथ देने के लिए कई देशों को राजी कर चुका है। खैर दोस्तों, तालिबान के खिलाफ भारत की इस कूटनीतिक जीत पर आप क्या कहेंगे? क्या मोदी सरकार तालिबान और साथ में चीन के खिलाफ सही कदम उठा रही है? यूएनएससी में क्या भारत तालिबान का सर्वनाश करने के लिए सही कदम उठा रहा है? अगर आप मोदी सरकार के इन फैसलों के साथ हैं, तो सपोर्ट में वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में जो भी आपकी राय हो जरूर लिखिए।